मीडिया के सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी आजादी को 75 वर्ष होने जा रहे हैं और भारतीय संसदीय व्यवस्था के तहत हमारा संसदीय लोकतंत्र भी को भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इस यात्रा के अंदर हमने लगातार लोकतंत्र को सशक्त किया है, मजबूत किया है। लोकतंत्र में लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। ये प्रतिनिधि संस्थाएं जनता के प्रति जवाब दे रहे, पारदर्शिता रहे, इसके लिए आपका भी सहयोग रहा है। आपके सहयोग से ही आज हम जवाबदेही, पारदर्शिता तरह संस्थाएं चला रहे हैं और इसलिए ये संस्थाएं सशक्त और मजबूत हो, इसके लिए संसद जो लोकतंत्र की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है उसकी जिम्मेदारी है कि देश की जितनी चुनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन लोकतांत्रिक संस्थाओं से जनता की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं पूरी हो, सदनों के अंदर जितना जनता की कठिनाएं, अभाव, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, इसके लिए हमारा प्रयास है कि सभी पीठासीन अधिकारी सामूहिक रूप से मिलकर इसकी व्यापक कार्य योजना बना रहे हैं। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 1921 के अंदर शिमला में पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन हुआ था और 100 साल बाद फिर शिमला के अंदर पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और इस 75 साल की संसदीय लोकतंत्र की यात्रा में हम कहां तक इन लक्ष्यों को पूरा कर पाए और उसी के साथ 75 अलग अलग कार्यक्रम की योजना भी बनाई जाएगी जिसमें हमारी सबसे लोकतंत्र की छोटी सबसे इकाई लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेही संस्था पंचायत से लेकर संसद तक की जितनी भी देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, वह नगरपालिका हो, विधानसभाएं हो, पंचायत हो, जिससे डायरेक्ट जनता निर्वाचित कर भेजती है, उन्हीं सभी संस्थाओं के 75 कार्यक्रम की योजना बनाई जाएगी। इसी वर्ष पब्लिक अकाउंट कमिटी के भी 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उसको लेकर 4-5 दिसंबर को दिल्ली में पब्लिक अकाउंट कमिटी के चेयरमैन, उनके कुछ महत्वपूर्ण सदस्य, पीठासीन अधिकारी और
पूरे विश्व के महत्वपूर्ण देशों के पब्लिक अकाउंट कमिटी के चेयरमैनों का भी एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके अंदर पब्लिक अकाउंट कमिटी की 100 साल की यात्रा पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ देश के युवा, महिलाएं विधानमंडलों, संसदों में सक्रिय भागीदारी बढ़े, लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी बढ़े, इसके लिए भी देश के अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं और महिलाओं पर विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। और उसी के साथ विश्व की लोकतांत्रिक संस्थाएं, वहां की पार्लियामेंट में जो युवा और महिलाएं हैं, उनका भी विश्वव्यापी एक सम्मेलन भी आयोजित करने की कार्ययोजना है। इस 75 साल के इस कार्यक्रम 75 कार्यक्रम का हमारा मकसद एक ही है, तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त, मजबूत, जवाबदेही, सदन चलाने की एक व्यापक कार्ययोजना, नीचे तक की संस्थाओं में सदन चलाने के लिए एक एसओपी की एडवाइजरी भी हम बनाएंगे, जिसको जो राज्य, जो संस्थाएं अपनाना चाहें अपनाएं। और उसी के साथ साथ सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्यों में इसी तरीके के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। कल मेरा इस प्रतिष्ठित संस्था विधानसभा, विधान परिषद में सभी माननीय सदस्यों से मिलना हुआ था। कर्नाटक का एक लोकतंत्र का एक समृद्ध इतिहास रहा है और प्राचीनतम लोकतंत्र की अगर नींव रखी गई है तो कर्नाटक में रखी गई है। इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया में लोकतंत्र भारत की जननी है। हम आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं बात कर रहे हैं, हमारे कार्य में, हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों, विचारों में हमेशा लोकतंत्र रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि गांव के अंदर आजादी के पहले भी इसी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से फैसले होते थे, निर्णय होते थे, सामूहिक रूप से निर्णय होते थे। उन निर्णयों को सारा गांव मानता था। इसीलिए लोकतंत्र की यात्रा हमारी प्राचीनतम है, इसलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को और जवाबदेही बनाएं, ताकि इनके माध्यम से देश की जनता का कल्याण हो सके। ये बात सही है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में, सदन में जिस तरीके से हंगामा, बेल में आना, तख्तियां लहराना, सदन में गतिरोध पैदा करना, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। और इसलिए समय समय पर सभी पीठासीन अधिकारियों ने भी, राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, संसदीय कार्य मंत्रियों ने, प्रतिपक्ष के नेताओं ने, सभी दलों के नेताओं ने समय समय पर सदन में अनुशासन, शालीनता, गरिमा बनी रहे, इसके लिए व्यापक चर्चा संवाद की है।
हम भी इस शिमला के होने वाले 100 साल के सम्मेलन में फिर से संघों के अंदर शालीनता बनी रहे, अनुशासन बना रहे, संसद विधानमंडल की गरिमा बनी रहे, क्योंकि सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाएं जब आदर्श रूप से चलेगी तभी हम तमाम देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक आदर्श संस्था का मार्गदर्शन कर पाएंगे। इसलिए हमने विचार किया है कि इस 75 साल होने पर फिर एक बार देशभर के पीठासीन अधिकारी, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी दल के नेता, उनसे भी विचार विमर्श हो, ऐसा भी प्रस्ताव हम शिला में पीठासीन अधिकारियों के बीच में रखेंगे और उसमें जब निर्णय जो निर्णय होगा उन निर्णयों के आधार पर देश भर में 75 कार्यक्रम अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग प्रदेशों के द्वारा आयोजित किए जाएंगे और एक पारदर्शी, जवाबदेह लोकतंत्र बने, इसके लिए सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के पीठासीन अधिकारी सारगर्भित चर्चा करके परिणाम लाएंगे। इन सारी चीजों में विशेष रूप से आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहते हैं कि मीडिया भी सकारात्मक रूप से इन संस्थाओं के संदेश जनता तक पहुंचाए। क्योंकि मीडिया के सकारात्मक संदेश से संसदीय व्यवस्था के अंदर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। हमारी यही कोशिश है कि इन संसदीय प्रतिनिधि संस्थाओं के प्रति लोगों का और विश्वास बढ़े और भरोसा बढ़े, इसके लिए भी हम सामूहिक रूप से कुछ फैसले करेंगे, निर्णय करेंगे। मुझे आशा है सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हमारी अपेक्षाओं के अनुसार सदन को चलाने में सहयोग करेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि के व्यवहार और आचरण से ही सदन की गरिमा बढ़ेगी। इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने में हमारे जनप्रतिनिधि की भूमिका ही महत्वपूर्ण है, सभी दलों की भूमिका ही महत्वपूर्ण है, चाहे सत्ता हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे एक दल का सदस्य हो। हम जब सामूहिक रूप से कुछ फैसले करेंगे, निर्णय करेंगे और पुराने फैसलों और निर्णयों को एग्जीक्यूट करेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित परिणाम आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।